हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट करने वाले। इस लेक्चर में हम अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल्स देखा, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन कुछ क्वेश्चन भी, एक ग्राफ बनाना भी देखा था। ठीक है, जो आज है हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो अपने के अपने के चैप्टर की हेडिंग है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, लिख देना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, ओके, तो लिखना, हेडिंग भी डाल देना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। ठीक, ओके, जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, सिमिलर ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू भी एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, लिखे। अच्छा, अब हम इनको सॉल्व करने की कुछ मेथड देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ और बातें हैं जो कि हम कर लेते हैं फटाफट में, ये नोट करें पहले, कर दिया। अच्छा, अब सॉल्यूशन किस किस टाइप से होते हैं, कब दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, कब दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट, एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी, कब पैरेलल हो गए, ये सब हम देखते हैं कंडीशन। ठीक, ओके, नोट कर दिया होगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कुछ कंडीशन है कि किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे अपने पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट की अगर ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो जाए, ठीक है, अगर दोनों लाइन में ए वन अपॉन ई टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो जाए, तो इस टाइप की अगर कंडीशन को ये फॉलो करती है तो हम बोलेंगे कि जो दोनों लाइन है, क्योंकि ये भी एक लाइन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो जो दोनों लाइन है एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो लेके जाना इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन या इंटरसेक्ट एट ए यूनिक पॉइंट। ठीक है, अच्छा, और जहाँ पे एक दो लाइन, जहाँ पर एक जो लाइन है, दोनों लाइन जहाँ जितने पॉइंट पे या जहाँ पर अपने को कट करती हुई या इंटरसेप्ट करती है, तो वो हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोल्यूशन कहलाता है। तो एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसका कितने सोल्यूशन होगा, एक वन है यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन, द सिस्टम हैव ए यूनिक सोल्यूशन, लिख देना द सिस्टम हैव ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, जहाँ सॉल्यूशन मिलते हैं उनको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, जहाँ सॉल्यूशन मिलते हैं जिस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ओके, सेकंड है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, अगर इस टाइप की कंडीशन को फॉलो करती है दोनों लाइन, तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइन से, तो पैरेलल लाइन तो एक दूसरे को भी कट ही नहीं करेगी, ऐसे हमेशा एक दूसरे को पैरेलल में चलती जाएगी, तो कट नहीं करेगी, तो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट या कट नहीं कर रही, इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, तो हम बोलेंगे नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये होगा इनकन्सिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इनकन्सिस्टेंट, सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, थर्ड है कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, अगर इस कंडीशन को फॉलो करती है तो हम बोलते हैं कि दोनों लाइन के एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर लेती है, तो हर एक पॉइंट अपना आप में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्साइट लाइन, कॉन्साइट लाइन। ठीक है, कॉन्साइट लाइन, कॉन्साइट लाइन यानी कि एक के ऊपर ही एक लाइन। ठीक है, इस टाइप का हर एक पॉइंट अपने आप में क्या, सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक, तो ये अपने को पता होना चाहिए ये सारी बातें, कि अगर दो लाइन है क्या, कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे होगी, अगर ये है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये है तो पैरेलल लाइन है, ये है तो कॉइंसाइड लाइन है। ओके,
इसका अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये बोलता है कि यूनिक सॉल्यूशन देगा, ये बोलता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, और ये कहता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इसका जो कंक्लूजन है वो कहता है कि जहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जहाँ नहीं मिलते इनकंसिस्टेंट। यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। ओके ठीक, तो ये याद रखना है। अगली हेडिंग डालेंगे सॉल्विंग सॉल्विंग ऑफ फियर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग द लियर फियर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग मेथड लिख दो या मेथड ऑफ द सॉल्विंग। मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक ओके, अब इनको कौन कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला लिखेंगे, पहला मेथड है, फर्स्ट है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, और सेकंड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है ओके, तो जो भी अपने पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो लीनियर पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व करने के अपने पास दो तरीके हैं। एक है अलजेब्रिक और दूसरा है ग्राफिकल। अलजेब्रिक को हम तीन टाइप से डिवाइड करके पढ़ते हैं, और ग्राफिकल को उसके बाद, यानी कि ये तो अब पहले हेडिंग डालेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में भी पहला डालेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड को हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एंड थर्ड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ओके, जैसे अपने पास ए वन है एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, एक लाइन। सेकेंड लाइन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ये दो लाइन को लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इनको चेक करना। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जैसे इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड को यहीं मैं बता रहा हूँ। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट से मैंने वाई की वैल्यू निकाली, तो वाई की वैल्यू आई होगी माइनस सी वन माइनस ए वन एक्स अपॉन बी वन, देखें। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर थ्री, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड कहीं से भी एक में पुट कर दो ये हमने, तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन कह रहा है ए टू एक्स प्लस बी टू इंटू वाई माइनस ए वन एक्स अपॉन बी वन, ठीक है, प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए टू एक्स, ए टू बी वन इंटू एक्स माइनस बी टू सी वन माइनस ए वन बी टू एक्स प्लस बी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो। एक्स को एक साथ, बाकी सबको एक साथ ले आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, इनको तो बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू अपॉन ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, ये आएगी एक्स। सिमिलर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आएगी। ये याद नहीं रखना है, ठीक है, तरीका समझना कैसे क्या होता है। ओके, क्या करना होता है कि जैसे अपने पास दो इक्वेशन होगी, सपोज इस इक्वेशन से एक वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट की, सपोज एक्स एंड वाई, जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वेरिएबल वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, और जो वैल्यू आएगी वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वो दूसरे में पुट कर देंगे तो अपने पास उसकी वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। यही होता है, इतना ही करना है। अब इक्वेशंस करेंगे तब तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसी को बोलता है ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सेकंड है
नोट कर दिया होगा ये, बट याद नहीं रखना है, ठीक है? तरीका समझना कैसे है, इलिमिनेशंस इसमें क्या होता है कि एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करके एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इक्वेशन नंबर इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसको हमने मल्टीप्लाई किया ए टू से एंड, ठीक है? इक्वेशन नंबर सेकेंड को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, ए वन से, ठीक? ओके, जब इक्वेशन नंबर इसको मल्टीप्लाई किया होता ए वन ए टू इंटू एक्स आ गया, प्लस ए टू बी वन वाई आ गया, प्लस सी वन ए टू बराबर जीरो आ गया। ओके, सेकेंड इक्वेशन को ए वन से मल्टीप्लाई किया होगा तो ए वन ए टू आ गया इंटू एक्स, ए वन बी टू वाई प्लस ए वन सी टू इक्वल्स टू जीरो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट, देखो दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हो गया वाई कॉमन आ गया, ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू इक्वल्स टू, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक? तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई ए वन इसको भी याद नहीं रखना है, ठीक है? वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक? याद नहीं रखना इनको, बस तरीका समझना कैसे किया गया हो रहा है, ठीक है? नोट करें। ओके, अच्छा मान लो ये हमने वाई की वैल्यू कैलकुलेट की, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो डायरेक्ट वाई के कोफिशियंट को इक्वल कर दो, या फिर जो एक्स की वैल्यू आई है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? ओके, थर्ड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, एक्स अपॉन ये अगर एक्स ले रहे हैं हम, तो एक्स के अलावा जो बाकी कोएफिशिएंट है बी वन बी टू एंड सी वन सी टू को हमने नोट कर दिया, ठीक? जब हम वाई ले रहे हैं तो वाई इन दोनों को हटाकर सी वन सी टू ए वन ए टू, सी वन सी टू ए वन ए टू, जब हम कॉन्स्टेंट वाले टर्म लेंगे तब इन दोनों को हटाकर ये लेंगे ए वन ए टू बी वन बी टू, ए वन ए टू बी वन बी टू, ठीक है? ओके, फिर क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, बी वन को इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको इससे, यानी कि एक्स अपॉन जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया होगा तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ठीक है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना इक्वल टू वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, इसको इससे इसको इससे, ओके अपॉन वन अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, करेक्ट? ये आपस में इन सबको क्या क्या मल्टीप्लाई किया। अच्छा, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बी वन सी टू बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ओके, वाई की वैल्यू की बात करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है? तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये है क्रॉस मल्टी एप्लीकेशन, ठीक है? बस ये ध्यान देना है कि एक्स के अपॉन में क्या आता है, एक्स की जब बात करते हैं तो इस सब टर्म को हटा दे देंगे कोपिशेंट, बाकी कोपिशेंट को लिखते हैं, जब वाई की बात करेंगे तो वाई के कोपिशेंट को हटा देंगे बाकी को लिखे, जब कॉन्स्टेंट की बात करें कॉन्स्टेंट को हटा देंगे बाकी को, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? ओके, सेकेंड मेथड है ग्राफिकल मेथड, ये था अल्जेब्रिक, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। सेकेंड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, जैसे ए वन एक्स प्लस प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? फर्स्ट अपने को ये भी पता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है?
तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट क्या करते हैं, ड्रॉ बहुत स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस, दोनों स्ट्रेट लाइन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने बताया था, मैंने बोला था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने एक स्ट्रेट लाइन आती है उसको ड्रॉ करना, मैंने बताया था टेबल बनाते हैं, टेबल के बाद में हम उस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे अलग अलग, पहले इसको एक को रिप्रेजेंट कर देना फिर दूसरे को, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट में तीन बातें होती है, तीन बातें क्या क्या होगी। पहली बात, ये एक्स वाई प्लान है, सपोज ये एक्स है और ये वाई है, या तो लाइन दोनों ऐसे आएगी, ठीक है। तीन बातें होगी, तो ये होगी एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ये है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्व टू जीरो, ये है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्व टू जीरो। अगर इस टाइप का केस है तो ये इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये क्या है, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। एक बात ये हो सकती है, जरूरी थोड़ी है बेटा कि ये भी हो जाए, ठीक है। दूसरी बात इसमें, सेकंड बात ये भी हो सकती है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ जाए, यह है ए वन एक्स प्लस ए बी वन वाई प्लस सी वन इक्व टू जीरो, ये है ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्व टू जीरो, यह है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, लिखते जाना फटाफट, इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी जो टेबल बनाई थी ना वही है, और ये है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। थर्ड केस, ये है एक्स और ये है वाई, ये है जीरो कॉमा जीरो। थर्ड बात ये हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई करे, ठीक, यानी कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्व टू जीरो, और ये लाइन कर रहा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्व टू जीरो। कैसे ऐड, पता कैसे ही करेंगे, पता करने के लिए वो जो टेबल बनाई है ना मैंने, वो टेबल से हम पता करेंगे इनके कोएफिशिएंट, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन सी वन सी टू से हम पता करेंगे, ठीक। तो इसमें कितना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक, नोट करें। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, तो पहले फटाफट में ये सब नोट कर दें। नोट कर दिया होगा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन से ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने को, इसमें बताना कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी पैरेलल है, कौन कौन सी, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो आपस में कंपेयर कर देंगे ए वन ए टू ए थ्री से, हम कंपेयर कर देंगे इस लाइन से, ठीक है। और सेकेंड लाइन को हमने बोला ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्व टू जीरो, ठीक है। इन दोनों लाइन को आपस में कंपेयर करेंगे तो ए वन की वैल्यू यहाँ हम बता देंगे कि फाइव है, ठीक है। बी वन की बात करते हैं माइनस फोर है, और सी वन की बात करें तो एट है। ए टू की बात करते हैं, ए टू की बात करेंगे तो सेवन है। बी टू की बात करते हैं, बी टू की बात करेंगे तो सिक्स है। एंड सी टू की बात करेंगे तो माइनस नाइन है, करेक्ट, ओके। ए वन अपॉन ए टू की बात करते हैं तो ये है फाइव बाई सेवन, ओके। बी वन अपॉन बी टू की बात करते हैं तो ये माइनस सिक्स अपॉन थ्री, यानी कि माइनस का टू बाई थ्री। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं। ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्व टू बी वन अपॉन बी टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, सेक्टिंग लाइन एट ए पॉइंट, समझ में। इस तरीके से अपने को कंपेयर करना है, फटाफट में नोट करें। तो ये जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती होगी, ठीक, ओके। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को इस लाइन से कंपेयर किया तो ए वन की जो वैल्यू आई है वो आई है नाइन, बी वन की जो वैल्यू आई है वो आई है थ्री, एंड सी वन की जो वैल्यू है वो ट्वेल्व। ए टू की बात करते हैं तो ये है एटीन, बी टू की बात करें तो ये है सिक्स, एंड सी टू की बात करें तो ये है ट्वेंटी फोर, ठीक है। ए वन अपॉन ए टू की बात करते हैं,
9 अपॉन 18 यानी कि 1 बाई 2। वी वन अपॉन वी टू की बात करते हैं 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2। सी वन अपॉन सी टू की बात करते हैं 12 1 24 यानी कि 1 बाई 2। तो इन तीनों को देखें तो ध्यान से देखें तीनों के आपस में इक्वल यानी कि ई वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। जब तीनों इक्वल है इसका मीनिंग क्या हुआ? तीनों इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया? वो लाइन बसी है कौन सा एड लाइन कॉन्स्टेंट, ठीक है, यानी कि इनफिनिट सॉल्यूशन। ऐसे पूछा नहीं फिर भी लिखते जाना ताकि याद रहेगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड को जब कंपेयर किया होगा इससे तो यहाँ देखिए ए वन की वैल्यू कितनी आ गई, ए वन की वैल्यू आ गई 6, बी वन की वैल्यू आ गई -3, सी वन की आ गई 10। ओके यहाँ आ गई 2, ये है -1 और ये है 9, ठीक है। ए वन अपन ए टू की बात करते हैं तो 6/2 यानी कि 3 हो गया, या -3 एंड -1 की बात करेंगे तो 3 आएगा, है 10/9। तो इन तीनों से देखिए तो अपने पास आ गया वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो किसको फॉलो कर रही है? ये है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन, ठीक, यानी कि नो सोल्यूशन, कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगी, कभी सोल्यूशन नहीं देगी, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल, कौन सा साइड है, ठीक। नोट करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट थ्री सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इनमें कम से कम इनके तीन सॉल्यूशन अपने को बताना है, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया कि एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है जो कि इनको सेटिस्फाई करते हो। ऐसे इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उनमें से अपने को तीन सॉल्यूशन बताने हैं, थ्री सॉल्यूशन। ओके बताते हैं, एक्स जब जीरो हो जाए तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो वाई की 4 एक सॉल्यूशन हो गया, यानी कि एक्स 0 वाई 4। ओके एक्स की वैल्यू मैंने 1 रख दी हमने, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो वाई की वैल्यू 3 आ गई, सेकेंड सॉल्यूशन हो गया 1 एंड 3। ओके वाई की वैल्यू हमने 0 रख दी, कुछ भी रख सकते हो, तो एक्स प्लस 0 बराबर 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, तो थर्ड सॉल्यूशन आ गया, करेक्ट। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, जरूरी नहीं है कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला यही तुम्हारी आंसर शीट में भी हो, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड 5x, ओके यहाँ पे माइनस का 4 है तो यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू -4 है, ठीक। ओके जब x -1 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, तो -5। ओके वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू -4, ठीक है, ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ओके सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। ओके तो x कुछ भी ले सकते हो, x बराबर 0 ले लिया, तो x बराबर 0 लिया तो ये हो गया 3y बराबर 4, तो y की वैल्यू आ गई 4/3, तो फर्स्ट सॉल्यूशन 0 एंड 4/3। ओके सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमने y को 0 बोल दिया, तो जैसे y को 0 बोला इक्वल्स टू 4, तो x की जो वैल्यू आएगी 4/5, ठीक, तो ये हो गया 4/5 एंड 0, सेकंड सॉल्यूशन। ओके थर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, ले लो x बराबर 2/10, x बराबर हमने 2 ले लिया, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हो गया 10, -2 ले लिया, 2 सही है, 2 ही ले लेते, कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं,
प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर, तो थ्री वाई बराबर हो गया माइनस का सिक्स, तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस टू। ठीक, तो सॉल्यूशन हो गया टू एंड माइनस टू। ठीक, तीन सॉल्यूशन। ठीक है, फटाफट नोट करें। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व दिस दिस दिस, इसको अपने को सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है कि एक्स एंड वाई क्या होगा। ठीक है, ओके, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको अपने बोल दे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ए वन अपॉन ए टू देखे, बी वन अपॉन बी टू देखे तो नॉट इक्वल टू, यानी कि एक यूनिक सोल्यूशन देगा। देखिए, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो एक यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, उसको ही कैलकुलेट करना है। दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों की इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 200x, इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, ये अपने पास आ गई इक्वेशन। ठीक, ओके, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव। हाँ, तो कहीं एक जगह x की वैल्यू उठा के पटक देते हैं, इसको x प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव है एंड दिस 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 भी है। ठीक है, ओके, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की ही बात करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकता हूँ, देखो टू एक्स प्लस नाइन्टी नाइन एक्स प्लस नाइन्टी नाइन वाई बराबर फोर नाइन्टी नाइन। यहाँ तक देखे, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिखा, दोनों को ऐड करेंगे तो 101 आ जाएगा। ओके, इनमें से मैंने 99 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ रहा होगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पुट कर दे। ठीक, तो 2x की जो वैल्यू आई है 99 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 94, तो कितनी वैल्यू हो गई, ये हो गई 4, 2x बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, नोट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलो सॉल्व द फॉलोइंग स्फीयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशंस मेथड। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ठीक, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई। ठीक, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, x की वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ से वो x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो यहाँ से हो गया 2y प्लस 4 बराबर 14, तो 2y बराबर हो गया 10, तो y की वैल्यू हो गई 5 फर्स्ट। ओके, सेकंड, x की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 5 यानी कि 9। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक से वैल्यू कैलकुलेट की, दूसरे में पुट कर दी, यही तो बताया था। ठीक है, फर्स्ट। ओके, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड केसेस इज s माइनस टी इक्वल्स टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को थोड़ा और ऐसे ही रहने दो, टी बाई टू इक्वल्स टू 6 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट की, 6 माइनस टी बाई टू इंटू 3, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन पुट एस इन इक्वेशन फर्स्ट,
एस को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री टी बाई टू माइनस टी बराबर थ्री, करेक्ट। ओके तो ये हो गया 15 बराबर हो गया 5t/2, ठीक है, थ्री टाइम्स। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ गई वो आ गई 6, ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 × 6 − 6/2, ये हो जाएगा 3 × 6 − 3 × 3 यानी कि 9, s हो गया 9, ठीक, नोट करें, करेक्ट है, बिटा दे। ओके थर्ड क्वेश्चन इसका, ओके थर्ड क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो a1/a2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3/9 यानी कि 1/3। b1/b2 की बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी a1 a2 की बात करेंगे तो 1/1 1/-1 दोनों इक्वल्स टू नहीं है तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन देगा। 1 and 1/3 दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, इसलिए हमने चेक नहीं किया, ठीक, वरना नॉर्मली चेक करते हैं। ओके तो b1 b2 हो जाएगा -1 and -3 1/3। ओके c1 c2 की बात करें तो ये हो जाएगा -3 − 9 यानी कि 1/3, तीनों के आपस में इक्वल है। अच्छा तीनों अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो दोनों लाइन है वो क्या होगी, एक दूसरे को अप्लाई करेगी, कॉन्साइट लाइन है, इसका मतलब है इसके कितने सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो लिख दो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, हर एक वैल्यू अपने आप में सॉल्यूशन होगा। मान लो अपने को कुछ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं, सपोज इन्फाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ से तो डिसाइड हो गया, ठीक। अच्छा तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन में से आप एक की वैल्यू पुट करते जाओ, दूसरे का एक इनपुट देते जाओ, आउटपुट निकालते जाओ, वही अपने आप में एक सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लो कि एक्स बराबर वाई बराबर हमने 0 दे दिया तो 3x बराबर आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो 1 and 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अच्छा किसी ने x बराबर 0 दे दिया तो 0 − y की वैल्यू आ गई -3, तो ये हो गया 0 and -3, तो ये भी इसका एक क्या सॉल्यूशन है, तो ऐसे इन्फाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक, नोट करें। ओके फोर्थ नंबर में दे रखा है, देखो ये अपॉन में 10 पॉइंट को अपॉन में 10 ले लें, तो ये लिखा है 2/10 × x + 3y/10 इसको और इजी करके लिखा तो ये लिखा है 2x 3y = 13, इसको बोल रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये लिखा है 4x 5y = 12, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ओके तो यहाँ से हमने 2x की वैल्यू निकाली 13 − 3y, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो 2x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, पुट 2x इन इक्वेशन, x भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में 2 लेके जाओ, चलो x कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। पुट x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में x की वैल्यू पुट कर दी तो ये होगा 4 × 13 − 3/2 + 5y = 23, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। ओके तो ये कितने टाइम डिवाइड हो गया, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 26 − 6y + 5y = 23, ये 26, तो यहाँ से 26 − 23 = y, तो y की वैल्यू आ गई 3। ओके y की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 − 3 × 3 9/2, ये हो जाएगा 2, तो x आ जाएगा 2,
एक्स टू वाई थ्री, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, नोट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ओके, इलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि एक्स एंड वाई में से किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, फिर सब्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करना, मान लो मेरे को एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, या वाई के कर देते हैं ना, वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या एक्स वाई के कर देते हैं, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। करेक्ट, तो अब ये कितनी होगी, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फिफ्टीन। ठीक, ओके, इसको बोलते हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड को ऐसे कैसे लिखा, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 5x बराबर आ जाएगा 19। करेक्ट, 5, 8, 12, 13। ठीक, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 19/5। करेक्ट, ओके, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पुट कर दो, वहां से आ जाएगा एक तरीका। ठीक है, और दूसरा तरीका, अगर मान लो y की भी डायरेक्ट इसी तरीके से कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये हो गया, इसको ऐसे कैसे लिखा। ठीक, और इन दोनों को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये हो गया 5y बराबर हो गया 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। ओके, सेकंड, सेकंड क्वेश्चन, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, इसको हमने सेकंड बोल दिया, इक्वेशन नंबर, ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को या इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन को तो मैंने ऐसे, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 हो गया। ठीक, और फर्स्ट इक्वेशन कैसे, ऐसे कैसे लिख दी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 7x और 14, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू कहीं भी पुट कर देते हैं, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी या फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y बराबर हो गया 4, तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। ठीक, नोट करें। थर्ड नंबर, थर्ड इज 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x इक्वल टू, तो सबसे पहले तो ये, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको अरेंज किया, इसको अरेंज कैसे करेंगे, इसको अरेंज किया 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसको बोला इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ओके, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये हो गया 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। करेक्ट, ओके, और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐसे कैसे नोट कर दिया, इक्वल टू 7, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, x कैंसिल आउट, यहाँ से हो गया माइनस का 13y इक्वल टू 5। करेक्ट, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। ओके, y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट या सेकेंड में, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, तो 3x माइनस 5 माइनस 5/13 इक्वल टू 4।
तो 3x बराबर हो गया 4 माइनस 25 अपॉन 13, तो यहाँ से हो जाएगा 52 माइनस 25 अपॉन 13, तो x की जो वैल्यू आएगी 27 यानी कि 9 अपॉन 13। ठीक, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 क्वेश्चन इज एक्स बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर सेकंड को, इक्वेशन सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगी, 2x माइनस 2y बाई 3 इक्वल्स टू 6। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड। ठीक, जैसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 प्लस 2x बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 6, कैंसिल आउट। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 5x बाई 2 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक, x की वैल्यू 2 कहीं भी पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर y अपॉन 3, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 3। ठीक, एक्स इक्व टू 2, वाई इक्व टू माइनस 3, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव द यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। अपने को सबसे पहले इनमें बताना है कौन कौन सी इक्वेशन जो पेयर है उनके इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन है, क्या कौन सा केस है। फिर है कि इन द केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है अगर किसी इक्वेशन का, तो वो कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, इस मेथड से इसको करना है। अभी तक हमने दो मेथड देखा, सब्स्टिट्यूशंस और इलिमिनेशंस, ठीक है, अब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ए वन अपॉन ए टू की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। बी वन अपॉन बी टू की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड माइनस का 9 यानी कि 1/3। ओके, बात करते हैं सी वन अपॉन सी टू की, तो सी वन एंड सी टू की बात करेंगे तो 3/2। ठीक, ओके, तो यहाँ पे अगर इन तीनों से देखें तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, ओके, ए वन, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी है, दोनों लाइन से पैरेलल लाइन से, बोथ लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। ठीक है, सो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, फर्स्ट पार्ट फटाफट नोट करें, हो गया। ओके, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो ए वन अपॉन ए टू 2/3, बी वन अपॉन बी टू 1/2, सी वन अपॉन सी टू 5/8। तो अगर यहाँ पे देखें तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। ठीक है, अच्छा, कंडीशन यानी कि यहाँ पे कितना यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन है, कैलकुलेट करना है। ठीक, कैलकुलेट करेगा तो कैलकुलेट करना है x अपॉन x के कोफिशियंट को हटाकर। अच्छा, तो पहले इन इक्वेशन को अरेंज करते हैं, ये लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये लिखा है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, जब x की बात करते हैं तो x के कोफिशियंट के अलावा कोफिशियंट लेते हैं, तो ये होगा 1 एंड 2 माइनस 5 एंड माइनस 8 बराबर, y की बात करते हैं तो y की बात करेंगे तो माइनस 5 एंड माइनस 8 2 एंड 3।
जब कॉस्ट वन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये हो जाएगा टू एंड थ्री, वन एंड टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एट, और ये हो गया माइनस का टेन बराबर वाई अपॉन माइनस का फिफ्टीन, माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन। ठीक, ओके, इसको जब मल्टीप्लाई किया होगा इससे तो फोर माइनस थ्री, तो यहाँ से हो गया एक्स माइनस एटीन इक्वल्स टू वाई अपॉन वन इक्वल्स टू वन, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एटीन एंड वाई की वैल्यू आ गई वन, तो ये हो जाएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक, याद नहीं रखना है ए वन ए टू वगैरह वगैरह, ठीक है, सिर्फ ये देखना कि जब एक्स की बात करते हैं तो एक्स के कोफिशिएंट के अलावा वाले कोफिशिएंट जहाँ से स्टार्टिंग, जब इसकी बात करेंगे एक्स की तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा, इसका कोफिशिएंट वन है, जब इसकी बात करते हैं तो दिस 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 एंड दिस, जब इसकी बात वन की करेंगे तो दिस 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 एंड दिस, ठीक है, करेक्ट, नोट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ओके, थ्री नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये लिखा है थ्री एक्स ए बाई ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू थ्री अपॉन सिक्स वन बाई टू, बी वन अपॉन बी टू की अगर बात करें तो माइनस फाइव अपॉन माइनस टेन वन बाई टू, सी वन एंड सी टू की बात करें तो माइनस ट्वेंटी अपॉन माइनस का फोर्टीन यानी कि वन बाई टू, तीनों के आपस में इक्वल है, ए वन अपन ई टू, बी वन अपन बी टू, सी वन अपन सी टू, यानी कि दोनों लाइन कैसी है, कौन साइड लाइन है, ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो हर एक पॉइंट इसके लिए क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक, नोट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, रिड्यूस देम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले जो अपने पास गिवन इक्वेशन है इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद में इनको सॉल्व करना। अच्छा, ध्यान से देखें तो ये लिखा है वन बाई टू एक्स, वन बाई एक्स, वन बाई वाई, तो ये कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। ठीक, कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट को ध्यान से देखें तो ये लिखा है वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई थ्री वाई इक्वल्स टू टू एंड वन बाई थ्री एक्स प्लस वन अपॉन टू वाई इक्वल्स टू थर्टीन बाई सिक्स। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, वन अपॉन एक्स को मैंने यू एंड वन अपॉन वाई को मैंने वी लेट कर दिया। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जैसे ही मैं पुट करूंगा तो वो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। जैसे देखना, ये लिखा है वन बाई टू, तो ये लिखा है वी यू बाई टू प्लस, या कुछ और पी एंड क्यू ले लेते हैं, नॉर्मली पी एंड क्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, लेट वन अपॉन एक्स को हमने पी बोल दिया एंड वन अपॉन वाई को हमने क्यू बोल दिया। ठीक है, तो अब अपने पास जो इक्वेशन आई है वो आ गई पी बाई टू प्लस क्यू बाई थ्री इक्वल्स टू टू, करेक्ट, ओके, एंड सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आ गई पी बाई थ्री प्लस क्यू बाई टू इक्वल्स टू बाई सिक्स। ठीक है, ओके, तो इक्वेशन नंबर इसको हमने बोल दिया फर्स्ट और इसको हमने बोल दिया सेकंड, यहाँ तक देखें ये हमने कन्वर्ट कर दी। अच्छा, दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया वन बाई थ्री से और इसको मल्टीप्लाई किया वन बाई टू से। ठीक, ओके, वन बाई थ्री से जैसे इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आ गया पी बाई सिक्स प्लस क्यू बाई नाइन टू बाई थ्री, इसको जैसे टू से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आ गया वन बाई टू से सिक्स क्यू अपॉन फोर इक्वल्स टू, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो गया फाइव क्यू अपॉन थर्टी सिक्स इक्वल्स टू
8 माइनस 13 अपॉन 12 थ्री टाइम्स, तो यहाँ से हो गया 5q अपॉन 3 बराबर माइनस का 5, क्यू की वैल्यू आ गई माइनस 3। ठीक, क्यू की वैल्यू माइनस 3 है और पी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्यू की वैल्यू है ये, तो पी की यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा पी बाई 2 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2, ये हो गया माइनस का 1 इधर जाएगा तो 3 इंटू 2 यानी कि पी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ओके, हमने पी को क्या लेट किया है, पी की वैल्यू आ गई 6 और पी इक्वल्स टू हमने क्या लेट किया है, यानी कि 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू आ गया 6, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/6। अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके, एंड y की बात करते हैं, q की बात करें तो q इक्वल टू माइनस 3 और q हमने लिया 1/y इक्वल टू माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। ठीक, नोट करें, तो इस तरीके से सबसे पहले अपने को इक्वेशन को कन्वर्ट करना है लीनियर में, फिर इसको सॉल्व। देखो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, फिर अपने को सॉल्व करना है, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे क्या करें, 1/√x को लेट करते p, 1/√y को हमने q, तो ये हो गया 2p 3q इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकेंड हो गया 4p माइनस 9q इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड, करेक्ट, बट 1/3। ठीक, ओके, तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 6p 9q इक्वल्स टू 6, दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जैसे ऐड करेंगे तो 10p इक्वल्स टू हो जाएगा 5, तो p की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ओके, p की वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो q की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 1/2 प्लस 3q इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से 3 इक्वल्स टू 1, तो q की वैल्यू आ गई 1/3। अच्छा, p हमने क्या लीड किया है, p इक्वल्स टू 1/√x इक्वल्स टू 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ओके, एंड q इक्वल्स टू 1/√y इक्वल्स टू 1/3, तो y की वैल्यू आ गई 9। ठीक, तो x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नोट करें, तो इस तरीके से नॉर्मली हमें पहले जैसे यहाँ पे हमने दोनों को लीनियर में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने सॉल्व किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने 1/x को हमने p लीड कर दिया, बाकी y को तो ऐसे रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, y ऐसे ही लीनियर में दिख रहा है, या फिर हम डायरेक्ट रिड्यूस करना है, तो ये हो गई 4p 3x इक्वल टू 14 एंड 3p 4y इक्वल टू 23, ओके, इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसको बोल दिया हमने फर्स्ट, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से। ऐसा क्यों किया, देखो जैसे अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई का कोफिशिएंट 12 हो गया, ओके, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई का कोफिशिएंट कितना हो गया, -12, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ओके, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया पी प्लस 12y इक्वल्स टू 56, ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p माइनस 12y ये जो होगा 9
69, दोनों का ऐड करो, कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो जाएगा ये 25p इक्वल्स टू 125, तो p की वैल्यू आ जाएगी 5. ओके, p इक्वल्स टू 5 एंड p इक्वल्स टू 1 अपॉन x, सो x की वैल्यू आ गई 1/5. ठीक, x की वैल्यू 1/5, p की वैल्यू यहाँ पुट करने के तो q की वैल्यू आ जाएगी, तो q की वैल्यू p की वैल्यू हमने पुट कर दी 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 14, सो 3y इक्वल्स टू -20 इक्वल्स टू माइनस का 8, सॉरी माइनस का 6, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -2, y इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1/5. ठीक, नोट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन 7x. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम देखने को मिल जाए अपने पास जिसमें एक्स एंड वाई डिवाइड में हो या एक्स वाई इंटू इससे मल्टीप्लाई हो, तो दोनों बात एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया. तो क्वेश्चन नंबर 4th में हमने क्या कर दिया, 7 अपॉन, जब एक्स वाई से इसको डिवाइड किया होगा तो ये वाई आ गया, -2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, करेक्ट. ओके, सिमिलर इसमें भी डिवाइड किया तो ये 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15. ओके, अब यहाँ पे लीट कर दिया, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी एंड 1/y इक्वल्स टू क्यू, करेक्ट. ओके, तो यहाँ से ये हो गया 7q -2p इक्वल्स टू 5, सिमिलर 8q इक्वल्स टू 7y 7p इक्वल्स टू 15, करेक्ट. ओके, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पी का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, फिर उसके बाद में दोनों को ऐड किया, तो जैसे ये ऐड किया होगा तो देखो ये हो गया 49q, ठीक है. ओके, इक्वल्स टू 35 एंड इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, पी इक्वल्स टू 13, दोनों को ऐड करेंगे, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 65q इक्वल्स टू 65, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1. ओके, क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, तो 7 इंटू 1 -2p इक्वल्स टू 5, तो 2p इक्वल्स टू हो जाएगा 2, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1. ओके, पी इक्वल्स टू 1, तो पी इक्वल्स टू 1 यानी कि एक्स इक्वल्स टू 1, क्यू इक्वल्स टू 1 यानी कि वाई इक्वल्स टू 1. ठीक, नोट करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट किया, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू पी एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्यू, तो क्वेश्चन इज 1 एंड पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 3/4 इक्वेशन नंबर 1 एंड p/2 माइनस q/2 इक्वल्स टू -1/8 एंड पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 -1/4 इक्वेशन नंबर 2. ठीक, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो जैसे ही ऐड किया तो 2p इक्वल्स टू 3/4 -1/4 ये आ जाएगा 1/2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/4. ओके, p की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी, तो q इक्वल्स टू 3/4 -p यानी कि 1/4 ये आ जाएगा 1/2. ठीक, ये हो जाएगा q इक्वल्स टू 1/2. ओके, p की वैल्यू हमने क्या लेट की है, यानी कि 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 1/4 यानी कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक नई इक्वेशन हो गई, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3. ओके, क्यू इक्वल्स टू 1/2 एंड क्यू इक्वल्स टू हमने लीड किया है 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्यू, क्यू इक्वल्स टू 1/2, सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 4.
करेक्ट है यहाँ तक देखें? ठीक है, ओके बता रहा हूँ। अब जो नई इक्वेशन आई है, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से हो गया 6x = 6, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं तो y बराबर हो जाएगा 4 - 3 * x, यानी कि 1। तो y इक्वल्स टू भी 1, x 1 एंड y भी 1। ठीक है, नोट करें। तो अगर मान लो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम देखने को मिले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद भी सॉल्व होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। एक्स एंड वाई के लिए अपने को सॉल्व करना है। बी अपॉन ए इंटू एक्स, दिस दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल दिस। तो बताना अपने को एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम किसी एक्स या वाई की वैल्यू, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड से या तो एक्स या वाई की वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे हम पुट करेंगे तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ से वाई की वैल्यू पुट कर दी। वाई की वैल्यू है 2ab - x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने पुट कर दी ये वाई की वैल्यू, तो यहाँ से हो गया बी अपॉन ए इंटू एक्स, ए अपॉन बी इंटू वाई, 2ab - x इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बी अपॉन ए एक्स प्लस, इसको जैसे मल्टीप्लाई किया हो तो 2a² ठीक है, 2a² माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो गया b माइनस बी अपॉन ए, और ए माइनस बी इक्वल्स टू हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई ए बी। ठीक, x की वैल्यू ए बी है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, ए बी। ठीक, नोट करें। ओके, ये है इक्वेशन फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर की बात करते हैं, नोट कर दिया होगा, कोई खास नहीं, इजी है। सेकंड नंबर इक्वेशन की बात करते हैं, ये है x - y। ठीक है, ओके। इसमें क्या करें, हमने इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू एक्स बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐसे कैसे लिखा। ठीक, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो गया एक्स ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2ab, करेक्ट। ओके, ये लिखा है ए ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, यहाँ से ए को मैंने कॉमन ले लिया तो ए एक्स ए अपॉन बी माइनस 1, ए से ए कैंसिल आउट, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ गया एक्स बराबर बी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल आउट, तो एक्स बाई ए इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर ए बी। ओके, वाई की बात करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर दो किसी इक्वेशन में, इसी में पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी वाई बराबर 2ab। ठीक, बी 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 कैंसिल आउट, तो वाई बराबर हो गया ए माइनस 2a, यानी कि माइनस का ए। ठीक, नोट करें। तो इस तरीके से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 7 फ्रॉम द ग्राफ फाइंड। अपने को ये ग्राफ बनाना सबसे फर्स्ट, फिर इन पॉइंट बताना का पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ, कि 3, 4 इस ग्राफ पे लाई करता है कि नहीं। ओके, सेकेंड इज वेन x = 3 and y = 1 ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्या ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द वाई इक्वल्स टू, जब वाई की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करना है। एंड द पॉइंट वेयर द इक्वेशन मीट वाई एक्स, वाई एक्स को जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ की बात करते हैं। ओके, तो इक्वेशन अपने पास गिवन है कि 2x + y = 7। तो क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं, इधर टेबल बना देते हैं, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। ठीक है, सबसे फर्स्ट व्हेन x = 0 तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 7। ओके, x 0 y 7, जब वाई 0 हो जाए तो अब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2। 0 7/2। ओके, x = 1 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 7 - 2 यानी कि 5। x 1 y 5 बढ़ाते हैं, x y 0,0 करेक्ट, यह है x डैश, यह है y डैश। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0,0। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट व्हेन x = 0 तो y = 7, x 0 y 7, 6 and 7। तो x 0 y 7 यानी कि ये पॉइंट होगा। ओके, सेकेंड व्हेन y 0 x = 7/2 यानी कि 3.5, 7/2 and 0। ठीक, थर्ड व्हेन x = 1 y = 5, 1 and 5। सब पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इस टाइप से कुछ लाइन आएगी। ठीक है, इक्वेशन है 2x + y = 7 करेक्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट, ये टेबल वगैरह ये सब नोट कर दिया होगा। ठीक है, ओके, टेबल बना दी होगी आपने और ये सब भी नोट कर दिया होगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट ग्राफ हो गया, पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ, 3,4। अब ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3,4 ग्राफ पे लाइन नहीं कर रहा। देखो, x = 3 ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी एंड इस पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 1 के आसपास होगा। और दूसरा तरीका चेक करने का, कैसे चेक करते, कोई भी पॉइंट इसको इस पर लाई कर रहा है इस ग्राफ पे, तो लाई करने का मतलब है, लाई करने का मीनिंग होता है उस पॉइंट उस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि उस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि उस पे लाई कर रहा, वरना नहीं करेगा, क्योंकि इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन। ठीक, ये बताया था जब स्टार्ट कर रहे थे। ओके, तो इस पॉइंट को रख के देखते हैं, तो 2 and 3 + 4 = 7, तो ये पुट करेंगे 7 + 4 = तो ये 10 not = 7, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि पॉइंट 3,4 डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ, पॉइंट 3,4 डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ, लिख देना पॉइंट 3,4 डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट व्हेन x = 3 तो y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो x = 3 यहाँ से भी दिख रहा है और सॉल्व करके भी देख लिया, अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। तो x = 3 रख दिया प्लस y = 1 रख देंगे तो ये 7, तो ये हो गया 6 and 7, 7 = 7। हाँ, तो x = 3 y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो करेक्ट है सेकेंड ऑप्शन, क्या मतलब सेकेंड पार्ट करेक्ट। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y = 1, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है जब वाई की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, थर्ड पार्ट ये आएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y = 3, सो इक्वेशन 2x + y = 1 = 7, तो 2x = 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, ओके, एंड लास्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर, द पॉइंट वेयर द इक्वेशन मीट वाई एक्सेस।
अपने को वो पॉइंट बताना है जहाँ ये इक्वेशन वाई एक्स को मीट कर रही है। वाई एक्स देखिए, ये रहा वाई एक्स, ये पूरा वाई एक्स है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, इसके अलावा ये तो नहीं करेगी। और इस पॉइंट कहाँ पे मीट कर रही है? सेवन पे। तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा एट सेवन, वाई इक्वल्स टू एट सेवन। तो दिस इक्वेशन मीट वाई एक्स एट वाई इक्वल्स टू सेवन, वाई इक्वल्स टू सेवन पे इस लाइन क्या करेगी? वाई एक्स को मीट करेगी। तो इस तरीके से सवाल कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, नोट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवंथ नंबर। सो द ग्राफिकल द लीनियर इक्वेशन पेयर 2x plus 4y equals to 10 and 3x plus 6y equals to 12 have no solution. अपने को बताना है इसके कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, अगर यहाँ से a1 upon a1 a2 की बात करें तो आ रहा है 2 by 3, b1 b2 की बात करें तो भी आ रहा है 2 by 3, c1 c2 की बात करें तो नॉट इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग है दोनों लाइन कैसे पैरेलल लाइन से। अब अपने को ग्राफ से बताना है कैसे होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x plus 4y equals to 10, टेबल बना रही, इसको बोल रहे टेबल नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये एक्स ये वाई, फटाफट बढ़ाते जाएंगे साथ साथ में, कुछ खास नहीं। एक्स की वैल्यू जैसे जीरो रखी, ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स जीरो तो वाई की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, जैसे वाई की वैल्यू जीरो रखी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक, ओके, वाई की वैल्यू बंद रख दें तो एक्स की वैल्यू कितनी? 4, यानी कि 3 आ गई। देखिए, करेक्ट। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड कौन सी? 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 बढ़ाते हैं। ओके, जैसे हम x रखेंगे, x इक्वल्स टू जैसे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x 0 तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक, y को 0 ले लिया तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ओके, y को हमने 1 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? जैसे हमने y 1 ले लिया तो x की वैल्यू आ गई 2, 6 6 बाई 3 इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों का ग्राफ बनाते हैं। यह है x, यह है y, यह है 0,0, यह है x डैश, ये हो जाएगा y डैश। ओके, तो ये हो जाएगा 0,0। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। ओके, सो फर्स्ट डिनोट द पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सिमिलर वाई एक्सेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, एंड नेगेटिव एक्सेस -1, -2 एंड -3। सिमिलर नेगेटिव वाई एक्सेस -1, -2 एंड -3। ओके, डिनोट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड 5/2, 0 एंड 5/2। वैन एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 5/2, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 5/2, 5/2 यानी कि 2.5। सिमिलर दिस, एक्स 0, 5/2 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज वैन वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 5, वैन वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 5। ओके, एक्स 5/0। ओके, थर्ड पॉइंट, वेन एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 1, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ। सो फर्स्ट लाइन इज दिस, दिस लाइन, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। ओके, सेकेंड लाइन 3x, सेकेंड लाइन, द फर्स्ट पॉइंट इज वेन एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 2। सो दिस पॉइंट एक्स 0, y 2। ओके, सेकेंड वेन वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 4। ओके, दिस 4,0। ओके, थर्ड वेन एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1, 2,1, जॉइनिंग 3 पॉइंट्स। ओके, तो अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारे लाइन आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइन। दिस एंड दिस लाइन इज 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। ठीक है, बहुत लाइंस आर पैरेलल लाइन, सो बहुत लाइन हैव पैरेलल लाइन, सो हैव नो एनी सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? बहुत लाइंस आर पैरेलल,
लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइंस, सो नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नोट करें। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।